गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है और दोनों ही अमीर तरीन आदमी है, और रतन टाटा भी है और मुकेश अंबानी भी है। रतन टाटा तो टाटा इंडस्ट्री, और मुकेश अंबानी तो भाई अलग ही है। उनका जियो है आई थिंक, है ना, जियो नेटवर्क, बहुत सारी उनकी चीजें। लेकिन वो जहां तक मुझे पता है वो जियो से ज्यादा अमीर हुए थे, कमेंट करके बताना। चलिए वीडियो देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या जानने को मिलता है हमें इन दोनों के बारे में और कौन ज्यादा रिच है, देखते हैं। हियर वी गो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई, और मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहाँ हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक नहीं तीन बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के वाले अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो बस इत्तू से बंगले में, पर इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो बताओ 6 vs 135 किसकी जेब भारी होगी। वेल, इसका जवाब शायद ही है किसी के पास, पर अगर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता आप खुद ही दे दें इसका जवाब। और वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे, तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन बिजनेसमैन का पैसे और शो ऑफ से भरा ये सफर, मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा। नंबर वन, ऐसी थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेटवर्थ आज 5,00,000 करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5,00,000 करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गईं, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही धंधे में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देख उनका मन तीन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ, जिसका फायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इस सपने को पूरा होता देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को एस्टेब्लिश कर उनका सपना पूरा किया, और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का एक पड़ाव, जल्द ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ली, और पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद तीन पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5,00,000 करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब बात करते हैं उस इंसान की, जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गेस बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे ही पापा की तरह धीरूभाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर वो विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चौल में रहने आ गए, और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यान्स में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों और यान के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते नहीं थे, उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने विमल के IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था, और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फायदा कंपनी और दोनों को भरपूर हुआ। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरूभाई के हिस्से में ही इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई।
और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ जीरो हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गया है। नंबर टू, किसका पैसा है ज्यादा, जिससे होता है उसका फायदा। चलिए बात करते हैं इनके आज की यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं, परंतु वही 135 से ज्यादा कंपनीज की सब्सिडरीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया है। पर आखिर क्यों, तो आइए जानते हैं। वेल, ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वहीं टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडरीज कंपनीज के ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना? तो आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए मैं बता दूं, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर के मालिक हैं, और जब शेयर्स ही लगभग आधे उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती ही है। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी ग्रुप का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर तोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को पूरी 134 प्लस कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते ना, तो शायद आज वो न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर है, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है? ये तो सोचने वाली बात है। नंबर थ्री, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों देखते हैं एक के खर्चे तो वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है शायद उसका ही ज्यादा बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे। और तो और, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1,000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक यार्ड भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी अप्रोक्स कीमत 700 करोड़ है। और अब जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। इसीलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG G63S में साथ लेके घूमते हैं। और तो और, अपने एंटीनिया में गर्मियों में स्नो फॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम तक बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लिविंग की रही है, इसीलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सकें। फिर इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की ही तरह सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है, फिर चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो। पर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू और इथिक्स इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन जहां अगर एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज बन जाती है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है। और इसकी वजह है उनका खुद ये सब काम छुप छुप के करना। पर अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनी को इतने आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है तो वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना
वाकई में जरूरी है? क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। अच्छी वीडियो थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, तो इनको सब्सक्राइब लाजमी कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नजर में रतन टाटा बहुत ही अमीर है, मतलब मुकेश अंबानी से भी वो मतलब के डोनेट बहुत करते हैं, और मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब के वो अपना कुछ नहीं, ज्यादा सिंपल लाइफ में रहते हैं, और मुकेश अंबानी खर्चे कंट्री के लिए करते हैं, कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और मुकेश अंबानी खर्चे बहुत कर रहे हैं। हाँ, बहुत डोनेशन वो भी करते होंगे, लेकिन वो खर्चे भी बहुत करते हैं भाई। 600 करोड़ की यार, 600 करोड़ की यार, यार उनकी बीवी को 3 बार प्लेन गिफ्ट। काश मैं वाइफ होता। कौन कौन वाइफ बनना चाहता मुकेश अंबानी, कमेंट करके बताओ। तो कमेंट करके बताना लाजमी, और भी कोई ऐसी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।